हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है और सबलाइम लाइफ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, टैनिंग, हम अक्सर इनकी वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। अब रोज़ रोज़ की भाग दौड़ में अपना स्किन का ख्याल कैसे रखें, हम इसी उलझन में फंसे रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम जितना वक्त लगाएंगे उतना ही ये हमारे स्किन के लिए कितना नुकसानदायक है। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही आसान और किफ़ायती स्किन केयर रूटीन बताऊंगी, जो आप रोज़ सुबह उठ के फॉलो कर सकते हैं। सुबह उठ के अपने फेस को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आज मैं ये ककून डिटॉक्सिफाइंग फेस वॉश यूज़ करने वाली हूँ। हम जब सोते हैं हमारे स्किन पे काफ़ी जर्म्स डिपॉजिट हो जाते हैं, या एक दिन पहले हम मेकअप करते हैं तो उसका रेसिड्यू भी हमारे स्किन पे बच जाता है। तो फेस वॉश करने से ये सारे इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं वो हमारे फेस से निकल जाते हैं। इस फेस वॉश में रेड क्ले है, ये हमारे स्किन में जितने भी इम्प्योरिटीज़ रहता है वो सारे क्लियर करता है और हमारे स्किन को काफ़ी नरिशिंग इफ़ेक्ट भी देता है, और इसमें इसके साथ विटामिन सी भी है, तो ये हमारे स्किन को उससे ज़्यादा ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट भी देता है। अगला प्रोडक्ट, मैं ये विश ग्लो का प्योर ग्लो टोनर यूज़ करने वाली हूँ। इस टोनर में नाइसिनमाइड, फ्रूट AHAs और ग्रीन टी है। अपने रूटीन में टोनर को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डार्क स्पॉट्स, टैनिंग, क्लॉक्ड पोर्स, हाइपरपिगमेंटेशन, ये सारे इश्यूज़ में हमारी स्किन की मदद करता है। अब ये टोनर मैं अपने हाथों में लेने वाली हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से अपने स्किन पर डैब करने वाली हूँ। इसे आप कॉटन पैड से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने किया है वैसे ही फॉलो कर सकते हो। देखिए ये कितने अच्छे से मेरे स्किन में सिंक हो गया है और इससे मेरे स्किन की मॉइस्चर लेवल भी काफ़ी मेंटेन रहेगी। लगभग 1 से 2 मिनट के बाद मैं ये डीकंस्ट्रक्ट विटामिन सी और फेरुलिक एसिड सीरम यूज़ करने वाली हूँ। इसके मैं 2 से 3 ड्रॉप्स लूँगी और अपने स्किन में बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करूंगी। देखिए इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है, वैसे ही ये मेरे स्किन में भी सिंक इन हो जाएगा। इसमें फेरुलिक एसिड है, तो ये हमारे स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, और जैसे कि हम सब जानते हैं विटामिन सी ब्राइटनिंग इफेक्ट में काफ़ी हेल्प करता है। मॉइस्चराइज़र के लिए आज मैं ये फॉर्मूला RX का हाइड्रोवेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ। इस मॉइस्चराइज़र में कोई भी फैटी एसिड्स, ऑयल या अल्कोहल भी नहीं है। इस मॉइस्चराइज़र का टेक्सचर बहुत ही सिल्की स्मूथ है। देखिए ये मेरे स्किन पे कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। इससे मेरे स्किन पे कोई भी चिपचिपाहट भी फील नहीं होगी, और मैं ये मॉइस्चराइज़र मेकअप के लिए भी यूज़ करती हूँ इसके बेस के लिए। तो आज के लास्ट स्टेप के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सनस्क्रीन। ये है फिक्स डर्मा का शैडो जेल सनस्क्रीन। अगर आप घर में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं या कहीं भी धूप में निकल रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगा रहे हैं। तो सनस्क्रीन को मैं पहले ऐसे डॉट से अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। और फिर अपने फिंगर टिप्स से इसको अच्छे से मसाज करूँगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन का एप्लीकेशन आपके पूरे चेहरे पे होना चाहिए, और आपको अपने कानों पे भी और अपने नेक पे भी सनस्क्रीन का एप्लीकेशन करना है। ये हमेशा लास्ट स्टेप रहता है स्किन केयर रूटीन में, और अगर आप धूप में ज़्यादा घूमने वाले हैं तो आपको ये बात ज़रूर याद रखना है कि आप 3 से 4 घंटे में इसका रीएप्लीकेशन कीजिए। तो देखिए मेरी स्किन कितनी हेल्दी और फ्रेश लग रही है। अगर आपको ये वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं इसकी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।